चित्रा तुमने रघु सर को देखा? मालविका, रघु सर कहाँ? मुझे नहीं मालूम मैम, एक्चुअली मैं खुद उन्हें ढूंढ रही थी। इस ओटी अटेंडेंस पे उनके सिग्नेचर ही नहीं हैं और उनके सिग्नेचर के बिना ये फाइल ओके नहीं हो सकती, तो मैंने सोचा शायद आपको पता होगा, कहीं गए हैं वो। अब यहाँ नहीं है तो कहीं गए होंगे। तुमने कैंटीन में चेक किया? मैंने सब जगह चेक कर लिया मैम। वर्कर्स कह रहे थे कि उन्होंने सुबह सुबह सर को देखा था, उसके बाद। अच्छा ठीक है, ये लिस्ट तुम मुझे दे दो, मैं देख के साइन कर दूँगी। ओके मैम। तुम्हें लगता कि मैं फैक्ट्री अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता ना, लेकिन एक पिता की जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। शायद ये फैक्ट्री की फाइल चिंता दूर करने के लिए है। दूसरों को कुछ कहने से पहले इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, अपने अंदर झांक कर देखो, बदलाव सिर्फ मुझ में नहीं है। अरे हाँ रघु, कल जो फैक्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट बनी थी ना, मालविका से कहना उसे अंदर लेकर आए, बाकी सब कैबिन में है। ठीक। था कि पूत कपूत हो जाता है लेकिन माँ कुमा नहीं होती। कैसा घोर कलयुग आ गया है बेबी कि तुम्हारी माँ कुमा हो गई और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस करो लल्लू, बहुत हो गया, बक 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 बकवास किए जा रहे हो इतनी देर से, सोचने दो मुझे। नहीं बेबी, सोचने से बाल सफेद हो जाते हैं, ये तो काम मेरा है, मुझे सोचने दो। बताओ क्या सोचना है। सोचना ये है कि जब मैंने किसी से कहा नहीं, बिना मेरी जानकारी के ये दूसरा नोटिस भेजा किसने?